नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे को सबसे पहले कौन सा ट्रेड गेनर है, फिर उसके बाद फ्राइडे को ही कौन सा ट्रेड लूजर है, साथ ही में कल जब मंडे है कौन सा ट्रेड बढ़ सकता है और कौन से ट्रेड की क्या न्यूज़ है, और उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स वगैरह। सर चलिए शुरू करते हैं। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल्स। These details are used for the education purpose only and please read all the documents carefully. तो सबसे पहले सेंसेक्स देख लेते हैं, जो 39,194 पे 0.49 पे बंद हुआ। ओपन हुआ था 39,608 पे। बाजार ये था कि बढ़ेगा थर्सडे के बाजार के बाद, लेकिन इतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं आया और गिरता हुआ बंद हुआ। यही निफ्टी के साथ, निफ्टी भी 11,827 पे ओपन हुआ था, 11,724 पे बंद हुआ, यानी 107 पॉइंट गिर के बंद हुआ। सो ये कुछ अच्छे संकेत नहीं थे निफ्टी और सेंसेक्स के। साथ ही में 3-2.5 बजे के बाद और बाज़ार टूटता हुआ गया, एक बार थोड़ा ऊपर आने की संभावना हुई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बाज़ार फिर टूट गया। सो देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेड कौन से जो गेनर है फ्राइडे को। सबसे पहले अल्ट्रा टेक सीमेंट, जो कि ओपन हुआ था 4,576 पे और बंद हुआ 4,609 पे, 32.595 रुपीज़ बढ़ा, यानी 0.72%। अल्ट्रा टेक सीमेंट का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अल्ट्रा टेक सीमेंट में, कि वो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के साथ ऑफिशियली होगा। सो वो अप्रूव हो गया, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको नहीं विश्वास है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियोस में देख लीजिए, मैंने उसमें भी अल्ट्राटेक के बारे में जिक्र किया और बोला अल्ट्राटेक को बाय कर सकते हैं और अल्ट्राटेक कुछ दिनों में अच्छा रिटर्न देगा। सो 25 रुपये बढ़ा है तो और अच्छा रिटर्न देगा। ये एंड में गिरा हुआ इसलिए दिखा रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं सेंसेक्स और अभी निफ्टी देखा, सो वो भी गिरे हुए थे। सो थोड़ा बहुत बाजार की चाल से गिरा हुआ था, लेकिन अल्ट्राटेक और भी बढ़ने के आसार है। अल्ट्राटेक को 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हो चुका है अल्ट्राटेक के पास। सो उसके कारण अल्ट्राटेक की बहुत अच्छी बात है ये। सो जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए अल्ट्राटेक को, जिसके कारण और अच्छा बना रहा है। सो ये प्रोजेक्ट बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अल्ट्राटेक के लिए आंध्र प्रदेश का। अगर आपको और जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस में देखिए, जिसमें मैंने अल्ट्राटेक की बात करी है, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि क्या है प्रोजेक्ट, कैसा है। सो उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, इंडियन बुल्स होम लोन हाउसिंग फाइनेंस। ये थोड़ा बहुत बहुत गिर रहा है, बहुत उठ रहा है, बाजार में बहुत मूवमेंट दिखा रहा है ये। पहले शुरुआत में गिरा हुआ, फिर बढ़ता हुआ हुआ। जैसे कि आपको पता है इंडियन बुल्स का मर्जर होने वाला है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ, उसके कारण लक्ष्मी विलास बैंक और बहुत पॉजिटिव था। सो माना जा रहा था कि इंडियन बुल्स भी 10% पॉजिटिव था और ये भी कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा नहीं, 10 रुपये बढ़ के ही बंद हुआ। और वो फ्राइडे को ये लक्ष्मी विलास बैंक के साथ जो बोर्ड बात है जो चल रही है इनकी, जो मर्जर की, वो और भी आगे नेक्स्ट पे है। तो इसके कारण ये 20 जून को जो भी हुआ था, सो इंडियन जो ये क्या बोलते हैं इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को आप बाय करके जा सकते हैं। मर्जर की बातें चल रही है, रोज़ कुछ ना कुछ तो निकल रही है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। 4 जुलाई को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको मैंने बताया था नहीं तो फिर आप पुरानी वीडियो से मैं जा सकते हैं इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की भी न्यूज़ उसमें, कि 4 जुलाई को ऑफिशियली मर्जर हो जाएगा, लगभग तय है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी प्रिपेयर हो जाएंगी। सो थोड़ा बहुत अभी ऐसे चलेगा और देखते हैं उसके हिसाब से जब मर्जर हो जाता है फिर रिटर्न कैसे देता है। सो इस स्टॉक में आप निवेश करके चलिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, और लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा और साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के राय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, यूपीएल जो कि मैंने कल भी आपको, कल का मतलब है जो थर्सडे फ्राइडे की, मतलब जो थर्सडे को बोला था यूपीएल की न्यूज़ थी, यूपीएल बढ़ सकता है। सो देखिए यूपीएल बढ़ा हुआ था, तो यूपीएल 889.40 यानी 19 रुपये पे बढ़ा हुआ था। यूपीएल में 85,049 की ब्लॉक डील आई थी सुबह सुबह 10:22 पे क्वांटिटी की, क्योंकि 5% क्लाइम हुआ है। रिटर्न मेंटेनेंस की रेटिंग स्ट्रांग हो गई है इससे, तो यूपीएल को आप बाय कर सकते हैं और भी अच्छा रिटर्न देगा। मैंने आपको यूपीएल का टारगेट करीबन 1150 का बताया था। सो अगर आपको यूपीएल की और न्यूज़ जाननी है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप जान सकती हैं। तो यूपीएल आप बाय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टारगेट है यूपीएल का। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय कीजिएगा।
टॉप लूजर देखते हैं फ्राइडे के दिन कौन सा रहा। सबसे पहले मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी जो कि 3% फॉल डाउन हुआ था फ्राइडे को, बहुत मायने रखता है, लगभग 3% 6425 पे बंद हुआ, ओपन हुआ था 6549 पे। सो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, वजह ये ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया 3.5% इंटरडे के 21 जून को, यानी 21 जून यानी फ्राइडे को। और जो रिसर्च थी इसका जो टारगेट था 27.5%, जो 5800 था, 8000 से 5800 आ गया, यानी कम हो गया, जिसकी इम्प्लीमेंट 13% डाउनसाइड आया इसमें। तो ये आप मारुति सुजुकी को थोड़ा बहुत अभी दूर रहिएगा, और मारुति सुजुकी थोड़ा बहुत और गिर सकता है, क्योंकि इनकी जो नई जो गाड़ी आ रही है BS6 वगैरह लॉन्चिंग हो रही है, तो उसकी और न्यूज़ आएगी तो आपको बता दी जाएगी। तो थोड़ा बहुत संभल के ही ट्रेड कीजिएगा इनों में। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, HDFC होम लोन्स। ये होम लोन से ध्यान से पढ़िएगा, ये HDFC होम्स लोन्स है। तो अपोलो हॉस्पिटल ने सेल कर दिया है इंश्योरेंस का HDFC का। सो ये होम लोन्स का था जो वो सेल कर दिया है, तो उसके कारण ये बहुत बड़ी खबर है ये HDFC होम लोन्स के लिए, उसके कारण गिरावट आई गई है। सो इन्होंने जो है HDFC ने 0.4% स्टेक था एम्प्लॉय का, 10.84 करोड़ का, जो 51.2% था स्टेक, अब हो गया 1346 करोड़ का था पहले, जो उसके कारण ये डाउनफॉल दिखाई जा रही है। जो जो था 19 जून को अपोलो हॉस्पिटल ने 50.8% स्टेक होल्डर अपोलो मनीष हेल्थ इंश्योरेंस को 1336 करोड़ में बेच दिया, तो इसके कारण और भी डाउनफॉल आ सकती है HDFC होम लोन्स में। आप अभी सोच समझ के ही बाई कीजिएगा स्टॉक को, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, लार्सन, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन की तो बहुत न्यूज़ है, लार्सन मेडिलाइट ब्रांच के साथ कंस्ट्रक्शन हुआ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 24 मंथ्स के लिए। लार्सन को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, लार्सन एंड टर्बो को 24 मंथ्स में इनको कंप्लीट करना होगा, जिससे जैसे कि अगर आपको लार्सन की और चाहिए, जैसे कि एक समय पे 1607 ये देख लीजिए 52 वीक का इसका 1600 वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे इसकी क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉक डील्स के कारण ये लार्सन है बहुत गिरा। लार्सन करीबन आप इसका लो देख लीजिए 1182, लेकिन ये अभी कुछ ही एक महीने के अंदर ये लो 1400 जाकर 1400 1450 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। तो लार्सन से अभी आप थोड़ा दूर रहिए, लार्सन बढ़ रहा है उठ रहा है अभी, ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि लार्सन की अभी इसको एक प्रोजेक्ट मिला है तेलंगाना से 24 महीने का। सो ये वाले देखते हैं उस प्रोजेक्ट पे कैसे रिएक्ट होता है, और प्रोजेक्ट की जैसी जानकारी मिलेगी आपको बता दी जाएगी। सो इस स्टॉक से भी थोड़ा दूर बनाए रखिए, लेकिन इन्वेस्ट करना है सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं ट्रेड सेटअप फॉर टुमारो, यानी कल मंडे 24 जून को कौन कौन से ट्रेड सेटअप हो सकते हैं, क्या क्या में क्या न्यूज़ है। सबसे पहले गेल इंडिया ने कंपनी ने जो फिक्स कर दिया है 10 जुलाई को रिकॉर्डेड डेटा पर्पस, इन्होंने बोनस शेयर बांटेगी 1.1 रेशियो के हिसाब से, यानी 10 जुलाई को 1.1 रेशियो के हिसाब से बोनस बांटेगी। सो गेल इंडिया में भी थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, आप सोच समझ के निवेश कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निवेश कीजिएगा गेल इंडिया को। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, माइंडट्री। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, माइंडट्री का मर्जर हो चुका है L&T के साथ, जो कि माइंडट्री और L&T के साथ CEO की नॉन एक्सक्लूसिव डायरेक्टर है जो JD पाटिल, शंकर राम और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मिस्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ये। माइंडट्री अपॉइंटेड ने L&T में ये डायरेक्टर अपॉइंटेड कर दिए हैं, CEO एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो JD पटेल हैं, और शंकर रामन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और MR प्रसाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो कि मिंट्री ने अब अपॉइंट करा है L&T के, यानी ये मर्जर हो चुका है, जो मिंट्री ही कंट्रोल करेगा अभी हाल फिलहाल थोड़ा बहुत L&T को, लेकिन थोड़ा बहुत चलता रहेगा मर्जर, अच्छी बात है, और देखते हैं मर्जर से क्या फ़ायदे क्या नुकसान निकलते हैं कंपनी के इन फ्यूचर। L&T जैसे कि आपको लास्ट में बताया था, L&T बहुत गेनर रहा उस फ्राइडे का, और बहुत गिर रहा है बढ़ रहा है, सो अभी थोड़ा बहुत L&T से दूर रहिएगा, और मिंट्री में आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, मिंट्री और L&T का मर्जर हो गया है, तो उसके हिसाब से वो भी रिएक्ट करेगा, और वो जो उसको प्रोजेक्ट मिला है वो भी रिएक्ट करेगा। सो ये दोनों मिलते जुलते न्यूज़ है, ये दोनों न्यूज़ दोनों शेयर पे इफेक्ट कर सकती है, तो सोच समझ के निवेश कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निवेश कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, विप्रो। विप्रो कंपनी ने लॉन्च कराया पिवोटल सॉफ्टवेयर सेंटर एक्सीलेंस का डलास टेक्सास के। तो ये अच्छी बात है, विप्रो ने देखते हैं वो कैसा जाता है अभी, कब लॉन्चिंग है कब क्या है। तो ओपन हुआ था 287 पे, क्लोज हुआ 286 पे, लगभग 1 रुपये ही ऐसा है, क्योंकि बाजार
बहुत गिरा हुआ था फ्राइडे को, तो उसको देख के तो विप्रो में ज़्यादा अच्छी चाल बनी नहीं। आप देखिए पहले कितना ऊपर गया था, फिर कितना डाउनफॉल आया, फिर माइनस में रहा और थोड़ा बहुत प्लस में होके, थोड़ा बहुत प्लस में आया 1 रुपया, फिर गिर के फिर वापस माइनस में बंद हो गया। तो विप्रो से अभी आप थोड़ा वॉच पे डाल सकते हैं विप्रो को। विप्रो बहुत अच्छा शेयर है, कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है, देती रहती है, बहुत अच्छी शेयर है ये। तो विप्रो में आप वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा, और बाकी का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही निवेश कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है किवाल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, जो इन्होंने इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड। कंपनी का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है, जो कि है शेयर ऑन क्वांटिटी हो गई 1,23,25,037 क्वांटिटी शेयर है, जो कि 10 रुपये ईच मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 तक, और जो डिविडेंड है जो 11 रुपये पर शेयर मिलेगा। मतलब इनकी जो क्वांटिटी है शेयर की है, जो 11 रुपये जिनके पास होल्डिंग है, तो अच्छी बात है, ये 11 रुपये पर शेयर उनको उनको ये मिलेगा, 11 रुपये पर शेयर इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। सो अच्छी बात है कि वॉल किरण क्लोथिंग की, सो इसको अभी आप थोड़ा बहुत, अभी इससे थोड़ा बहुत दूर है, इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, फिर गिरेगा, फिर लोग भाई एग्जिट करेंगे, ब्लॉक डील आएगी। सो आप थोड़ा बहुत सोच समझ के ही निवेश कीजिएगा, और वॉच लिस्ट में जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा शेयर है। एक बार आएगी अच्छी न्यूज़ से पक्का और ऊपर जा सकता है। इसका 52 वीक हाई 1508 है, आप देखिए 52 वीक हाई के पास जा सकता है ये। बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है इसका, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही निवेश कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग है। हिंदुस्तान एरोगोन्स की बोर्ड मीटिंग जो शेड्यूल हो गई 28 जून को हो गई है, जो कि कंसीडर फाइनेंशियल डिविडेंड देगी। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की एनुअल जनरल मीटिंग है 6 अगस्त को। आंध्रा बैंक ने बोर्ड मीटिंग कर दी है 25 जून को, यानी मंगलवार को, कंसिडर अप्रूविंग कैपिटल राइजिंग के लिए। कैपिटल जो राइजिंग के लिए, जो फाइनेंशियल 19-20 का जो भी इनका 1 साल का जो है, वो 25 जून को लगभग तय हो जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, और जैसा भी होगा आंध्रा बैंक में आपको बता दिया जाएगा। टीवीएस मोटर्स की भी, यानी मंडे कल है ऑफिशियली मीटिंग है हिल हाउस कैपिटल 24 जून को। सो ये भी अच्छी बात है, आंध्रा बैंक पे आप ये अभी अभी बोर्ड मीटिंग की खबर आई, ये आप ध्यान रख सकते हैं आंध्रा बैंक के ऊपर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक के ऊपर। सो ये अच्छी बात है, और ये सब पे ध्यान रखिएगा, और बोर्ड सोच समझ के निवेश कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निवेश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस अपडेट।